गुड आफ्टरनून, इवन गुड इवनिंग हो गया है, 4 बज रहे हैं। और देखिए अभी सिर्फ जाने के लिए रेडी हुई हूँ मैं, शादी का ये कुछ नहीं है। तो पहनी है मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी, अभी शायद जब खड़ी होगी तो देखिए किस टाइप की साड़ी है, पूरी वर्क वाली। और वही मैंने रेड वाला प्लेन स्वेटर पहन लिया है क्योंकि रात में ही पहनूंगी फिर जो है। तो ये देखिए कान में डालिए हैं, ये दूसरे वाले ईयरिंग्स डालिए हैं, एक और सेट था वो उस दिन मैंने नहीं दिखाया था। तो ये देखिए, और ये बच्चे शाम के 4 बज रहे हैं, तो ये दोनों देखिए सो गए हैं। तो देव यहाँ पे सो रहा है और वेद आगे सो रहा है, और ये देखिए इसका गर्दन बार बार, अकेले बच्चे सो नहीं पाते हैं तो ऐसे हो गया है। तो अभी ना हम लोग 4 बजे जा रहे हैं, फिर देखते हैं कि आगे कैसा क्या होता है, क्योंकि इसकी ना तबीयत अभी ज़्यादा सही है नहीं। वॉमिटिंग अभी, लूज मोशन तो ठीक है, बट वॉमिटिंग अभी सुबह से 2 बार हो चुकी है कल, जबकि मैं रात में फिर से दवा लेके आई थी इसके लिए, बट अभी आराम नहीं मिला है। और रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने ये देखिए बनाए हैं मैंने अपने वही गोल्ड के सेट, तो उसमें पूरा लगा लिए हैं बैंगल्स, जो ब्रॉड बैंगल्स है ये, बट मेरे को वो वाला मेरा इतना अच्छा लगता है तो मैंने वो उतारा ही नहीं है, तो वो मैं पहने रही हूँ। और रेड बीच में मैंने दो दो तीन तीन ऐसे रेड मैच कर लिए हैं, जिससे कि क्या है अगर आगे मतलब हुआ कैसा क्या होता है मुझे नहीं पता। तो जो मेरे को साड़ी पहनी है मैंने सोचा रेड वाली ही पहनूंगी क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं है। फिर मैं देखिए फ़ोन भी गिर गया, तो वही सोचा सब मैं मैच कर जाएगा। और रिंग्स तो निकल दिखाई थी आपको पहन ली है, और ये देखिए चूड़ी मैंने बहुत दिनों बाद ऐसे इतनी साड़ी पहनी है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और सारा सामान तो हम लोग लेके आ गए हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। और यहाँ से मीन्स कानपुर से रूरा तक जाने में पूरा 1 घंटा लग जाता है, अभी तो हम लोग हाफ एन आवर हो गया हम लोग को ट्रैवल करते हुए। तो नहीं कहा चलो दोनों बच्चे सो गए तो आपसे बात करते हैं, तो हो गया है। और यार 9 तारीख को बहुत शादियाँ हैं, मतलब अभी रास्ते में हम लोग देखते जा रहे थे जितने गार्डन जितने भी वाटिका हैं कोई भी खाली नहीं है, लगभग सब में ही शादी है। तो चलिए अभी मैं रास्ते में बस ये थोड़ा जब कर लूँगी। और मैंने आज निकाली अपनी वाली चेन जो थोड़ी सी सी है, अभी मैंने नेकलेस नहीं पहना है, नेकलेस एक तो रास्ते में थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है, मैं क्या वहीं पे पहनूँगी। तो चलिए फिर मैं आपको वहीं मिलूँगी, वहीं आगे दिखाऊँगी कि कैसे क्या है हो रहा है वहाँ पे। और ये देखिए शाम का टाइम जब हम सब लोग तैयार होने लगे थे तो मैंने निलय के पास दोनों बच्चे भेज दिए थे, तो ये देखिए दोनों को पेड़ पर बिठा दिए और यहाँ पे ये बच्चे खेल रहे थे। इधर दीदी खड़ी थी, किरण दीदी मेरी खड़ी थी। और ये देखिए कुछ कुछ दूर से ही शूट किया है, सामान लिया है, इधर छोटा सा डीजे का फ्लोर बना था। और ये सामान है जो लड़की को दिया जाता है, तो सोफ़ा, वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल, बेड, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये अलमारी है, गोदरेज, मतलब ये कुछ शगुन होते हैं, ये क्या है ये वॉशिंग, वो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, LED TV है, सोफ़ा है, यही सब चीज़ें सब रखी थी। और हम लोग यहाँ पे पहले ना मैं पूर्वा किरण दीदी सब लोग थे, तो हम लोग डोसा खा के आए थे, तो वहाँ डोसा स्टार्ट हो गया था क्योंकि भूख लग रही थी हल्की सी, फिर वही कुछ लगे थे कि ज़बरदस्ती हम देखो बुला रहे हैं तैयार होने का, मेरा मन नहीं है, थक गई हूँ मैं तो सब। और ये देखिए छोटा स्टेज सामने छोटा सा लगाया हुआ है, ये सिद्धू मेरा भांजा है, सबसे बड़ी बहनद है मेरी नीलम दीदी, पूर्वा, हम सब लोग तैयार होकर बैठ गए हैं। और ये देखिए मेरा जो गेटअप था इस टाइम ये पूरा बहुओं वाला था, याद देखिए वो थोड़ा सा सर पे रखना था, बस इतना ऐसा ही रखना होता है हमारे यहाँ। और हार वार पहन के, चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन के, रेड उसमें देखिए बिल्कुल मेरा गेटअप एक था। और ये देखिए जो स्टेज की डेकोरेशन थी वहाँ के अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छी थी, ये जो छत पे सीलिंग डेकोरेशन थी ये मेरे को बहुत पसंद आई थी, ये लंबे लंबे ऐसे फ्लोर्स लगे हुए थे। और सामने ये छोटा सा एक स्टेज बनाया था जिसमें भगवान जी का इन्होंने पूरा लिया था कई जगह खड़े। और ये देखिए देव और वेद ने बहुत, ये मेरी 3rd नंबर की ननद है बेटी की, ये भी वही पास में रहती है, इनका है रजधान। और ये देखिए हमारे सीधे बैठ जाओ, वीडियो बन रहा है बड़ी दीदी को। और इधर मिला है, सब लोग बातें कर रहे थे, कुछ गाँव के लोग मिल गए थे, मैं सबको नहीं जानती। और ये देखिए बारात खुल गई है, बारात आ गई है, बारात आई थी कानपुर से, तो बस ये देखिए बारात उठ गई थी, तो देर वेद लग गए थे हॉर्स कार्ट में, हम लोग बैठेंगे हॉर्स कार्ट में फिर से बैठेंगे। और ये अलग ही होता है, मतलब थोड़ा सा एक्चुअली ऑन रोड मकान था इसलिए थोड़ी सी जगह कम थी, गेस्ट हाउस अभी होता छोटा सा वहाँ पे था, लेकिन अब बारात के लिए तो सब देखना। तो देखिए
और बारात आने के बाद हम लोग यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये पूजा होती है द्वारजाल वाली। इस टाइम क्या है, मैं ऊपर थी, मीन्स अपने रूम में थी, ऊपर बच्चों को सुला रही थी, तो बच्चे सो गए थे, तो मैंने थोड़ा सा इधर से ऊपर से छत से झूठ किया था। यहाँ पे सब लोग खड़े हुए थे और इसमें ज़्यादातर जेंट्स के काम होते हैं, जो मीन्स लड़की का पिता होते हैं, फादर होते हैं, वो करते हैं दामाद की पूजा। तो देखिए वही चल रही है, इसके बाद जयमाल होते। और ये देखिए नेहा तैयार होके फाइनली ब्राइड बन के आ रही है। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ हुई थी अचानक से, ये देखिए जितने भाई थे, मतलब मेरे तो सब बेटे ही लगेंगे, नहीं भांजे ही लगेंगे, तो देखिए सबने अपने हाथ रख दिए थे और इसी हाथ में फिर नेहा ने अपने कदम रखे। तो ये बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव था, सबके लिए था, सब लोग एकदम ऐसे देख रहे थे, अरे ये क्या है, शायद ऐसा लग रहा था बिल्कुल वेल ट्रेन करे गए हैं। और सारे भाइयों ने एकदम एकदम, और पता है इतना डिस्टेंस पे रखा था कि वो आराम से ऐसे सब के ऊपर रख के चली। ये बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को देख के। और देखिए सब लोग बस खड़े हो गए हैं उसके लिए, जयमाल के लिए, इधर से धूप उड़वा मैं सब लोग थे, और इधर कमल के ऊपर होना था। और आपको बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा, कुछ बारात का, कुछ इन सब का, कमल। और ये देखिए दूल्हा दुल्हन दोनों कमल के ऊपर चढ़ गए हैं, वो जो कमल का जो एक जो था, और ये फ्लावर की पूरी ऐसे बरसात सी हो रही थी। पता है ये वीडियो में भले ही आपको एकदम नॉर्मल सा लग रहा हो, पर आप सामने देखेंगे ना तो मतलब देखते ही हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, ये तो मेरे घर की शादी थी, तो बहुत ही सुंदर लगता है मीन्स एक जाके। और ये देखिए सबके मोबाइल्स ऐसे एकदम रेडी थे, पूरा हर कोई हर चीज़ कैप्चर करना चाहता था। तो मैंने बोला इधर देखो, बोला हेलो, बोलो बोला खुशी, इधर देख लो भाई खुशी। और ये देखिए ये मोना है, ये खुशी है, ये सब भी मेरी भांजी है, ये मेरा बेटा लगता है, मेरी जेठानी का बेटा है आशु। और ये हम लोग जयमाल के बाद भात पहना रहे थे, जयमाल के बाद ही होता है। और ये देखिए फाइनली वो घड़ी आ ही गई है, और ये देखिए इस पे लगा रहे हैं, इस पे नेहा की मांग भर रही है। इसके बाद विदाई के लिए हम नहीं रुके थे क्योंकि लेट हो रहा था, तो हम लोग निकल गए थे, बट यही लास्ट एक मेमोरेबल वो था, तो मैंने शूट किया। और बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ।